Hello friends, welcome to Gates Measure. Today we are going to start with the very first lecture of DBMS, that is Database Management System. DBMS is a very important unit in terms of GATE exam, UGC NET exam and other competitive exam. Even if I say a simple thing, so today's time for a BTech student or even BCA student, DBMS is a very important subject. मतलब ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज़ अ वेरी इमर्जिंग सब्जेक्ट. मतलब बहुत, अगर मैं बात करूँ आज से 6-7 साल पहले की, तो उस टाइम पे DBMS में से क्वेश्चंस जो है वो कम पूछे जाते थे इंटरव्यूज़ में, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो डेटाबेस के ऊपर पूछे जा रहे हैं. इसका जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जितनी भी टॉप की कंपनीज़ हैं, मेजर जो MNC कंपनीज जिनको हम बोलते हैं, टॉप 50 फॉर्च्यून कंपनीज़ जो हैं, जिनमें आपकी आती है फेसबुक है, गूगल है, अमेजोन है, तो ये जो मेजर जितनी भी कंपनीज है जिनका सारा का सारा काम किसके ऊपर चल रहा है, डेटाबेस के ऊपर चल रहा है. ये सारी की सारी कंपनीज जिनका काम ही डेटाबेस के ऊपर चल रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द डेटाबेस इटसेल्फ. तो इसीलिए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी DBMS जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको DBMS को, बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो पहली टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है डेटाबेस सिस्टम. मैं अभी DBMS कुछ नहीं बात कर रहा, मैं पहली जो टर्म बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम क्या है? डेटाबेस सिस्टम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फेसबुक है, इवन चलो हम इंडिया की बात करें तो इंडियन रेलवेज, अगर हम IRCTC की बात करें तो इंडियन रेलवे का अपना एक क्या है? डेटाबेस सिस्टम. फेसबुक का अपना क्या है? डेटाबेस सिस्टम. फ्लिपकार्ट का अपना क्या है? डेटाबेस सिस्टम. अब उस डेटाबेस सिस्टम में दो टर्म्स आती हैं, एक है डेटाबेस, एक है DBMS. मतलब डेटाबेस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स, वन इज अ डेटाबेस एंड अनदर वन इज DBMS. अब मैं ये, अगर मैं डेटाबेस की बात करूं, व्हाट इज अ डेटाबेस, इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. अगर मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. नाम से ही पता लग रहा है डेटाबेस मतलब जहां पे बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्टेडली पड़ा है. लेकिन रिलेटेड डेटा, रिलेटेड डेटा का मतलब क्या है? जैसे हम इंडियन रेलवे की बात करें, IRCTC के पास अपना एक डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस है. अब उस डेटाबेस में होगा क्या, क्या होता है उसमें? जब आप लॉग इन करते हो तो क्या होता है? सबसे पहले जैसे ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन है, मतलब आप कहीं पे जाना चाहते हो तो उसमें आप ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन को फाइंड कर रहे हो. उसके अलावा IRCTC के पास क्या होगा? पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन. कौन से पैसेंजर्स? जिन्होंने कभी ना कभी ट्रेन पे ट्रेवल किया है या IRCTC के अकाउंट में लॉग इन किया हुआ है. क्या उनके पास पूरे इंडिया के लोगों का डेटा होगा? नहीं. तो मतलब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. ऐसा नहीं कि हम किसी भी डेटा को आपस में क्लब कर दें. मतलब इंडियन रेलवेज के डेटा के साथ मैं इंडियन पासपोर्ट के डेटा को क्लब नहीं कर सकता. उनका डेटा अपना है, दे हैव अ देयर ओन डेटाबेस. पासपोर्ट वालों का अपना डेटाबेस है, इंडियन रेलवेज वालों के पास अपना डेटाबेस है. दैट्स व्हाई इट इज अ रिलेटेड डेटा. अब यहां पे मैंने इसको फर्दर बाइफरकेट किया है. जो डेटाबेस है वो जनरली जो है स्ट्रक्चर्ड और इसको अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं. इस वैसे तो जनरली तीन है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड. बट एक्चुअली हमारा जो DBMS की अगर हम बात करें तो इतनी डिटेल में आज के टाइम पे नहीं आता गेट में या UGC नेट में. बट आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है. स्ट्रक्चर डेटा क्या है? ऐसा डेटाबेस जिसको मैं किसी पर्टिकुलर शेप में या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकूं. और अनस्ट्रक्चर मतलब जिसके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है. जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, इंडियन रेलवेज का डेटा या यूनिवर्सिटी का डेटा. अब यूनिवर्सिटी का डेटा या इंडियन रेलवेज का डेटा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि उनके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. कौन सी स्ट्रक्चर है? सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर यूज होती है फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, दैट इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब मैं यहां पे आ रहा हूं इस टर्म पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने डेटा को सेव किया, मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा, मैंने बैकएंड पे हार्ड ड्राइव्स में सर्वर्स पे डेटा को सेव कर दिया. अब उस डेटा का करना क्या है? ऑब्वियसली यूजर उस डेटा को फेच करेंगे. यूजर वॉन्ट टू एक्सेस द
डेटा। अब उस डेटा में वो कुछ अपडेट करेंगे, कुछ नया डेटा इंसर्ट करेंगे, कुछ पुराना डेटा डिलीट करेंगे, मतलब उनको ऑन एन एवरेज क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने है, इंसर्शन करना है मतलब कुछ डेटा ऐड करना है, डिलीशन करना है कुछ डेटा को डिलीट करना है, अपडेट करना है। अपडेट मतलब कोई पुराना डेटा है लाइक एड्रेस है, किसी स्टूडेंट का एड्रेस कुछ और था, अपडेट हो गया मतलब चेंज हो गया, तो यानी ये इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस। अब इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ सिस्टम तो होना चाहिए ना, तो वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस है जो यूजर को ईजनेस प्रोवाइड करता है, ताकि यूजर जो है वो इजीली डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। कौन से ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। अब डेटा कहां पे बड़ा हो सकता है, डेटा हो सकता है रिमोट एरिया पे प्रेजेंट, मतलब मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में बैठा हूं और हो सकता है कि डेटा मेरा स्टोर कहां पे है, मुंबई में है, तो डेटा जो है मुझे लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो डेटा को एक्सेस करना है और उस डेटा में कुछ चेंज करना है। मतलब जैसे हम IRCTC के डेटा को एक्सेस करते हैं, उसमें हम कुछ रिजर्वेशन करते हैं ट्रेन की, तो हमें पता है कि वो डेटा कहां पे स्टोर है, नहीं, बिकॉज यूजर को इन चीजों से लेना नहीं है, उनको सिर्फ अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और उन ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए DBMS जो है वो हेल्प करता है। अब DBMS भी हमारे पास बहुत अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया SQL सर्वर, और एक्कल वालों ने अलग अलग वर्जन बनाए SQL सर्वर के भी, 2005, 2008, 2010, 12, 16, बहुत सारे अलग अलग वर्जन है ऐसे ही, और एक्कल के 9i, 11, 12c, 16 अलग अलग जो है ये वर्जन है, ऐसे ही MySQL है और एक्कल वालों का ही है, और DB2 ये IBM का अपना जो है वो DBMS है डेटा को मैनेज करने के लिए। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा की, मैं सिर्फ इस पूरे में से सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रक्चर डेटा मैंने क्या बताया, ऐसा डेटा जिसको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर कौन सी है, रिलेशन मतलब टेबल, मतलब स्ट्रक्चर डेटा को हम किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, टेबल की फॉर्मेट में। टेबल मतलब, अभी आपको इसके बारे में अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, मतलब मेरे पास जैसे एक्सेल की फाइल अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, आप उसको ही इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। मतलब एक टेबल क्या है, जिसमें कुछ कॉलम्स हैं और उसमें क्या है, डिफरेंट रोज है। अब इस टेबल को हम टेक्निकल फॉर्म में बोलते हैं रिलेशन। अब यहां पे मेरे कहने का पॉइंट क्या है कि हम डेटा को, स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, इसके भी बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट द मोस्ट यूजेबल मेथड इज रिलेशन। मतलब डेटा को कैसे स्टोर करो, रिलेशन की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। अब जब डेटा को मैं स्टोर कर रहा हूं रिलेशन की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली मेरे पास मैनेजमेंट सिस्टम भी कुछ ऐसा ही चाहिए, मतलब मेरे पास प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा चाहिए जो रिलेशन को ही सपोर्ट करे। मतलब जब भी यूजर डेटा को एक्सेस करे मेरे को रिलेशन शो, जब भी मैं यूजर डेटा को स्टोर करे रिलेशन में जाके डेटा स्टोर हो, जैसे IRCTC। अब अगर आपको याद हो कभी आपने IRCTC में लॉग इन किया हो, तो आप अगर उसमें सबसे पहले चेक करें, जब आप सोर्स डेस्टिनेशन वगैरह डालते हैं तो आपको सारी ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन आ जाती है, और वो किस फॉर्मेट में आती है, टेबल की फॉर्म में, जिसमें पहला कॉलम क्या होता है, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नेम, और भी अलग अलग लाइक नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, अपार्टमेंट्स, टाइप ऑफ सीट्स, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर डेट, डिफरेंट वो अलग अलग डेटाबेस का अपना अपना कॉलम्स है। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिंपल सी फॉर्म में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर डेटा, बिकॉज बीटेक में जो हम RDBMS पढ़ते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें सारी की सारी जो हम फोकस कर रहे हैं वो किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। गेट में भी इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इवन UGC नेट में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्ट्रक्चर डेटा, और स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, रिलेशन की फॉर्म में। अब रिलेशंस को स्टोर करना, उनको एक्सेस करना, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS क्या है, एक मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन किसके लिए चाहिए, रिलेशन के लिए। तो इसीलिए यहां से एक नई टर्म आ गई, RDBMS,
दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो यही हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्म किस पे करेंगे? रिलेशंस पे. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द RDBMS. I forgot to explain about the unstructured data actually. Unstructured data मतलब ऐसा data जिसको store करने के लिए कोई particular structure नहीं है, मतलब predefined कोई structure नहीं है कि जहाँ पे मैं उस data को store कर सकूँ. क्यों? क्योंकि unstructured data में जो majority of the data वो क्या है, like photos हैं, videos हैं, जिनका कोई particular format नहीं है. मतलब कभी photo, जैसे web page की अगर मैं बात करूँ, web page में क्या है, web page is a collection of photos, videos, chats. कभी उनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं. मतलब हो सकता है कि वेब पेज में पहले वीडियो आई, फिर आपकी इमेज आई, फिर उसमें कुछ टेक्स्ट आया, या हो सकता है पहले कुछ पैराग्राफ आया. लेकिन स्ट्रक्चर डेटा जो है वो हमेशा क्या होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और उसका फॉर्मेट क्या है, टेबल. तो अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, बिकॉज हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है RDBMS, वो सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर काम कर रहा है. दिस इज जस्ट अ एक्स्ट्रा थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू. एंड अनदर वन पॉइंट इज, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो 90% ऑफ द डेटा ऑन दिस अर्थ इज एक्चुअली अनस्ट्रक्चर्ड. तो आज के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी की सारी, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी हैं, वो किसके ऊपर आ रही हैं, अनस्ट्रक्चर डेटा के ऊपर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर डेटा बंद हो गया, स्ट्रक्चर डेटा भी एग्जिस्ट है, बट अनस्ट्रक्चर डेटा के ऊपर ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है. जैसे एक सिंपल से एग्जांपल अगर बताऊँ तो बिग डेटा की अगर हम बात करें, या हडूप की बात करें, ये सारे जो है वो टर्म्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम अनस्ट्रक्चर डेटा के. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा और RDBMS के बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं फर्दर वीडियोज़ में.